हाय एवरीबॉडी, आई एम शामिन मन्नान. फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के बारे में मैं बताना चाहती हूँ. लव शगुन हमारी जो फिल्म है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत अलग फिल्म है, कुछ ऐसा किसी ने नहीं बनाया, ऐसा नहीं है. बट ये फिल्म जो है दिल से बनाई गई है और बहुत जो एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, तो इसमें जो अलग अलग किरदार है उनके साथ लोग कनेक्ट कर सकेंगे. आप अगर ये मूवी देखने जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को कोई ना कोई कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाएंगे. और सो इट्स लाइक इट्स अ यूथ फिल्म बट एट द सेम टाइम इट्स अ फैमिली फिल्म. आप सबके साथ जाके इन्जॉय कर सकते हैं. इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. तो एक बहुत अच्छा लगा इस फिल्म के में काम करके. दिस माई फर्स्ट फिल्म और फर्स्ट फिल्म के हिसाब से रोल जो मुझे मैं जिसमें कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो शमा का कैरेक्टर है. वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत टफ था इनिशियली. मुझे लगा कि पता नहीं मैं इसको पुल ऑफ कर पाऊँगी कि नहीं. बट फॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी होमवर्क किया और हमने काफ़ी वर्कशॉप्स की, तो उस वो सब करके फिर फाइनली आई थिंक आई पुल्ड इट ऑफ वेल. और आपको डेफिनेटली देखने जानी चाहिए ये फिल्म. अच्छा, अगर जब भी डेब्यूटेंट कोई एंट्री करता है बॉलीवुड में तो उसका ड्रीम होता है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस तरह की फिल्म करनी है. आपका क्या ड्रीम है? कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? किस तरह की फिल्म करना चाहते हैं? मेरा एक ऑब्वियसली मेरा ड्रीम हमेशा से था कि मैं फिल्म करूँ. मैंने स्टार्ट टेलीविजन से किया, लेकिन ऑब्वियसली वो एक फिल्म डूइंग अ फिल्म इज़ अ स्टेपिंग स्टोन. तो मैं चाहती हूँ, हमेशा से ड्रीम रहा कि मैं इम्तियाज अली के साथ काम करूँ. बिकॉज आई लव ईच एंड एवरी फिल्म जो उन्होंने बनाया है. मुझे हर उनकी हर मूवी अच्छी लगती है. जिस तरह से वो स्टोरी बताते हैं आई लव इट. तो ऑब्वियसली ये मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं उनके साथ काम करूँ. और मैं चाहती हूँ कि मैं ये तो एक रोम कॉम है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगली फिल्म में मैं ऐसी फिल्म करूँ जिस जो एक कंप्लीट लव स्टोरी हो. और वैसा रोल करना चाहती हूँ जो सिंपल हो. इसमें मेरा रोल काफ़ी ग्लैमरस है, तो मैं एक डी ग्लैम रोल करना चाहती हूँ. और एक्टर की बात करें तो कोई फेवरेट एक्टर है? हाँ, मेरा फेवरेट है शाहरुख खान. बचपन से आई एम ऑब्सेस्ड. और मैं चाहूँगी कि लाइफ में मेरा ड्रीम है कि मैं कम से कम एक ऐड ही हो, मैं उनके साथ स्क्रीन सेम फ्रेम में दिखूं. और ये मेरा ड्रीम है. आई विश कि कभी ना कभी ये पूरा हो, चाहे वो ऐड के लिए ही हो, छोटा सा कुछ भी हो. एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, काफ़ी अच्छे स्टार एक्टर्स भी हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. हम लोगों ने गोवा में शूट किया, बॉम्बे में शूट किया. तो गोवा में तो इट वॉज लाइक अ हॉलीडे. हमने काफ़ी मस्ती की. इसमें सबसे अच्छा मेरा रैपो, मेरा इक्वेशन सिंपी सिंह उनके साथ हुआ है. और सबसे अच्छा एक फ्रेंडशिप होगी हमारे बीच. उनके अलावा बाकी एक्ट्रेस के साथ भी बहुत अच्छा इक्वेशन है. इट वॉज रियली फन वर्किंग. जब मैंने सीरियल किया था तो मुझे लगा था मूवी करना इज़ लाइक बहुत कुछ डिफरेंट होगा और बहुत टफ होगा. बट फिल्म करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. आई मीन बिल्कुल टफ नहीं है बिकॉज आई लव एक्टिंग. और फिल्म में आई got a chance to express myself, जो कभी कभी सीरियल्स में नहीं मिलता है. बिकॉज कम टाइम में बहुत शूट करना होता है, तो बहुत फास्ट शूट करते हैं. लेकिन फिल्म्स में हम आराम से शूट करते हैं और काफ़ी डिटेलिंग्स पे ध्यान दिया जाता है. तो आई लव doing films more, obviously. ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? हाई एवरीबडी, ये फिल्म 26 फरवरी को रिलीज हो रही है. आप लोग प्लीज़ जाइए, इसे देखिए. आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा. और 2 घंटे की मूवी है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा. और आप लोग बिल्कुल डी स्ट्रेस हो जाएंगे मूवी देख के. और डेफिनेटली देखिएगा ये मूवी. थैंक यू. थैंक यू सो मच.